सोच रहे हम भी लेफ्ट ही निकाल ले यार, हमने भी यहीं से लेफ्ट से ही खींच दिया मीटर, या तो रेल में या जेल में है, नहीं या तो भाई हम आज जाके उपयोग है बेचारे का, 4 साल में जाके आज दिवित ने जाके इसका कुछ उपयोग किया है। One hour later. तो ये लगा लो तब से अब हॉल्ट लिया है। पीछे तो हम डिसाइड कर रहे थे कि क्या पराठे वराठे खाएं, फिर ये बोले कि नहीं हैवी हो जाएगा ज्यादा, तो फिर अभी हमने गन्ने की रेडी भी लगाई है। और मैंने गन्ने की रेडी भी देखा, ये देख रहे हो आप, ताजा गन्ने का रस मात्र 7.95 लाख में। एक बार का तो मैं भी कंफ्यूज हो गया, मगर 9.5 लाख में गन्ने का जूस, फिर मैंने देखा मगर अच्छा। ऑलमोस्ट हम पहुंच गए, कौन से धर्मशाला में रुके हैं। और भाई साहब कैसा रहा सफर? बढ़िया। चलो ये हमारा हेलो गाइस, ये पूरी तैयारी में है। ये कह रहा है मैं सीधा गंगा जी में नहाने जाऊंगा, है ना, ये कह रहा है मैं सीधा गंगा जी में नहाने जाऊंगा, मैं कहीं रुक ही नहीं रहा। ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया है, तो अभी आपको धर्मशाला दिखाता हूँ जिसमें हम रुके हैं। तो हम रुके हैं कृष्णा धाम, ये पड़ती है नियर
फ्रेश बिल्कुल तंदूरी रोटियां चल रही है। ये इसका मेन्यू है और इन्होंने जो थाली है उसके अंदर आए हैं चावल और ये सब्जी कौन सी है, दाल फ्राई, आलू कड़ी, तो हमारी इसमें तंदूरी रोटी, ग्रीन चटनी, अचार और प्याज, ये सब इन्होंने हमारे इस थाली के अंदर दिया है। इस थाली का प्राइस है 120 रुपये अलग से। मयंक भाई को ये कुर्ता पसंद आया, ये वाला कौन सा कलर, सफेद, ये वाला सफेद, सफेद कलर। तो अब बज गए हैं 3:30 और मैं और शौर्य, हाँ शौर्य, आ जा रहे हैं हम। अच्छा, हम हरिद्वार आ गए, हम हरिद्वार में नहाने के लिए, नहाने के लिए जा रहे हैं। तो भाई ये बोल रहा है हम नहाने के लिए जा रहे हैं, तो आप स्नान करोगे गंगा जी में, गोते लगाओगे पक्का? ये कह रहा है भाई गोते लगाएंगे। तो अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं, मैं, परवेश भाई और मयंक। तो क्या हुआ, अभी घर वाले जो थे हमने उनको रिक्शा से भेज दिया। तो ये लाइन लगी है, एक गाड़ी जाती है एक आती है, तो इस हिसाब से एक एक करके जाना पड़ता है, तो इस हिसाब से तो पैदल यात्री पहले पहुंच जाएंगे। चलो ठीक है जी। तो भाई यहाँ पे सिस्टम ऐसा बना रखा है कि एक रिक्शा जाएगी एक आएगी, इस हिसाब से ये लोग सारे लाइन में खड़े हैं। अभी यहाँ पे बैरिकेड है, तो इस रास्ते पे जस्ट हमारे साथ साथ ये आप इधर देख रहे हो पूरा रेलवे ट्रैक है। भाई मैं बेलगिरी के दूध मिला, अभी मैं परवेश भाई तो पी रहे हैं, ये तो रानू का है, मैं ना पीऊँ क्या, तो नहीं पीवे इतना बढ़िया नहीं लगता, इसे बताओ इस चीज़ का बढ़िया का एग्जाम्पल के देवे आजकल के बालका ना, बढ़िया चीज ना स्वास्थ्य, इन्हें कोल्ड ड्रिंक चालू बस, कोल्ड ड्रिंक स्टिंग, हाँ क्योंकि स्टिंग से एनर्जी लूंगा। अब बताओ इस चीज़ का क्या एग्जाम्पल दे। तो भाई ये शौर्य के लिए ये ना जूस पी रहा ना सोडा पी रहा, ठीक है स्प्राइट पीऊंगा। पौड़ी चौकी वाले रोड पे आएंगे तो आपको यहाँ पे ये दिखेगा स्वागतम श्री गंगा सभा हरिद्वार, तो जस्ट यहाँ पे आप अपने निशुल्क जोड़ा जमा करा सकते हैं, मतलब जूते, और जूते जमा करा के आप सीधा यहाँ से नीचे हर की पौड़ी की ओर, जस्ट अभी जूता जमा करा के टोकन मिल गया हमको और हम पहुँच गए हर की पौड़ी, आपको दिखाता हूँ। तो जस्ट ये एंट्री है हमारी गंगा हर की पौड़ी की, यहाँ से मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। मेन जो आरती होती है ये सामने आपको क्लॉक टावर दिख रहा है, जो मेन आरती होती है वो हमारी यहाँ नीचे इस तरफ यहाँ होती है शाम के टाइम में, शाम और सुबह दो समय होती है। बहुत अच्छे स्नान हुए, खूब गोते लगाए, बस अब ऊपर मनसा देवी की ओर जा रहे हैं और आरती का समय भी हो गया है, तो अब रश नीचे ज़्यादा हो रहा है, अभी आपको दिखाता हूँ। तो बस आरती का समय हो गया, आप देख रहे होंगे सामने हमारे जितने भी श्रद्धालु हैं सारे अपनी अपनी जगह प्रस्थान कर लिया है, बस अब यहाँ पे आरती होगी गंगा आरती। इस तरीके से आप बहुत ही ज़्यादा ये आपको देखने मिल जाएगी। तो जस्ट चौक से भी मनसा देवी की ओर चले हैं, मनसा देवी का प्रवेश द्वार इधर से अब हम अपनी पैदल यात्रा शुरू करेंगे। ये तो हम इधर पहुंच गए हैं, ये आपका टिकट काउंटर है और यहाँ पे आपको जो टिकट मिलेगी वो 130 रुपये की मिलेगी आपकी, प्लस अगर आपको अगर ट्रॉली से जाना है तो करीबन आप यू लगा लो, ये आपको लाइन दिख रही है, 2 घंटे की वेटिंग है इधर। और यहाँ से बता रहे हैं कि अगर आप पैदल यात्रा इधर से जाते हैं तो करीबन ये लगा लो आप 1 किलोमीटर 1 से 1.25 किलोमीटर की हमारी पैदल की यात्रा है। 191 स्टेयर्स चढ़ के और अब प्लेन पे आ गए हैं, अब यहाँ से सारा रास्ता एग्जैक्टली प्लेन है।
इस तरीके से सारा का सारा प्लेन भासता है। चढ़ाई है पर ज़्यादा खड़ी नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, तो ये आसानी से चढ़ी जाएगी। ये शौर्य भाग रहा है, एनर्जी दिखाता वो पूरा। हम ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। ये है वो बच्चा, ये आज इतना एक्टिव हो रखा है पूछो मत। अब कह रहा है इनको बंदरों से दोस्ती हो गई मेरी, तो अभी ये कह रहा है उनके गुण आ गए मेरे में, एक्टिव हो गया बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ जूते वगैरह उतारेंगे, प्रसाद वगैरह लेंगे, फिर आगे दिखाते हैं आपको। यहाँ पे प्रसाद लेंगे अब, और यहाँ से बस मुश्किल से 20 कदम ही है मंदिर। ये सामने प्रवेश द्वार मनसा देवी माता का मंदिर का, बहुत ज्यादा आप देख रहे हो पीछे लाइन लगी हुई है, यात्री बहुत है। जय हो मनसा देवी माता। मनसा देवी का मुख्य मंदिर ये है, आगे भी आपको दिख जाएंगे, पर जो मेन जो मंदिर है मनसा देवी में वो ये है माता की आरती। भाई ऊपर अभी मनसा देवी से रात को इस तरीके का नजारा है हरिद्वार का, बहुत ही ज्यादा शानदार। लस्सी कैंसिल होगी मेरी, मेरे को ये वेरका का दूध मिल गया तो दूध पी रहा हूँ। ये कंप्यूटर वाला के देख लो, ये इसलिए कह रहा भाई साहब मेरे को एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो भाई पहले मिक्स आके देख रहे हैं अभी गोलगप्पे का है यार, बहुत शानदार। जब भी आप आओ तो एक बार जरूर ट्राई करना है। और भाई साहब की जो शॉप है वो पिछले 17 साल पुरानी है, इनके फादर साहब लगाते थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा स्वाद आया। और 20 रुपए के 4 गोलगप्पे देते हैं भैया। चलो ठीक है भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ये आप रोपवे देख रहे हो, इसकी 7:30 बजे तक बुकिंग ओपन होती है, 7:30 बजे के बाद ये बंद कर दिए जाते हैं। जो यात्री ऊपर रह जाते हैं बस उनको नीचे लेके आना होता है। अभी रात को आपको मैं यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ कि क्या कुछ है। एक मिनट में आ रहा हूँ ध्यान। तो रात को देखो भाई, बहुत 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 ही शानदार, हर की पौड़ी देख रहे हो। अब रात को भी कितनी संगत है इस टाइम, बहुत ज़्यादा श्रद्धालु हैं इस टाइम भी, नहा रहे हैं जो स्नान कर रहे हैं। A few moments later. तो दोस्तों हमें बहुत बहुत मिले हैं, जो कि अभी आप 12 ज्योतिर्लिंग हो गया, 11 हो गया आपका, एक बाकी केदारनाथ बाकी है, तो अभी वहीं जा रहे हैं आप। सारा टोटल आपने साइकिल से ही किया है? साइकिल से किया। तो आपको कितना समय लगा? 4 महीना 10 दिन। 4 महीना 10 दिन हो गया आपको, और आप पशुपतिनाथ भी हो के आए हो? दिसंबर 12 के निकला। देखो भाई ये कहते हैं भक्ति, भक्ति इसी को बोलते हैं देखो, और ऊपर वाले की शक्ति भी है, भक्ति में शक्ति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाबा की शक्ति से ही ये सब संपूर्ण हुआ है। बाबा हम भी प्रभु से यही इच्छा चाहते हैं, हमें भी इतनी शक्ति दे कि हम भी 12 ज्योतिर्लिंग अपने पूरे करें। तो भाई हमें हाँ जी सेकंड में करेंगे, देखो जैसी प्रभु की इच्छा होगी। दिक्कत आता है लेकिन बिल्कुल सन्यासी है तो हम बात हमारा बात अलग है। अच्छा अच्छा, पूरे एकदम एकदम ये रहते हैं, ओपन रहते, बिल्कुल ओपन, हमारे पास कुछ नहीं, मरने के लिए तैयार होते। अच्छा अच्छा, तो हमारे पीछे बाल बच्चे नहीं कुछ नहीं, हम तो ये। पर ये देखो वही वाली बात है बाबा कि ऊपर वाले की शक्ति है, वही शक्ति वही हिम्मत देता है, कॉन्फिडेंस, बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस उतरना है। बिल्कुल बिल्कुल, जब सक्सेस होता है। रोज का 110-120 किलोमीटर चलता था, अभी धूप है ना। हाँ जी, और प्लेन रास्ते से 110-120 किलोमीटर, तो आप दिन में 110-120 किलोमीटर आप निकाल लेते थे। बहुत बहुत शानदार। तो आप देख रहे हो कि बाबा ने पूरे 12 ज्योतिर्लिंग, तो इन ये पूरा इन्होंने साइकिल से ही यात्रा अपनी संपूर्ण करी है। ये जय भोलेनाथ, भोलेनाथ का इन्होंने साइकिल द्वारा, बहुत खूब बहुत खूब बाबा, बहुत खूब। ओम नमः शिवाय। तो आपने सफर कहाँ से चालू किया था अपना? ये कहाँ से? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आपने चालू किया था, तो आप आंध्र प्रदेश से ही हैं? कर्नाटक। कर्नाटक से हैं आप?
बहुत खूब। मैं आंध्रा में रहता हूँ। अच्छा, विभूति मटन। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ से आपने यात्रा चालू करी अपनी। बहुत खूब। वहाँ से रामेश्वर, रामेश्वर से पूना, महाराष्ट्र करते हुए सारा, महाराष्ट्र के बाद गुजरात, गुजरात, गुजरात के बाद एमपी, एमपी, फिर उज्जैन, यूपी। हाँ जी, एमपी में तो है ना। हाँ, एमपी में। और हाँ जी, माउंट कालेश्वर, और फिर उसके बाद काशी विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ करते हुए झारखंड के बाद पशुपतिनाथ। बहुत खूब बाबा, बहुत खूब। पशुपतिनाथ में तो ठीक नहीं है। अच्छा, वो रास्ते भी अच्छे नहीं है, इंडिया से जो रास्ते इंडिया तक अच्छे है। हाँ जी, इंडिया बहुत अच्छा है। हाँ हाँ हाँ, इंडिया बहुत अच्छे, इंडिया बहुत अच्छे रास्ते हैं, रास्ते भी अच्छे, लोग भी अच्छे। हाँ जी, कोई भी अपना गुरुवापुर जा सकते हैं, किधर भी रुक सकते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। डरी जी। अच्छा, रुकने के लिए भी जगह नहीं, छोटे छोटे मंदिर ही। हाँ हाँ, मंदिर भी नहीं मिलते जल्दी। अच्छा, जल्दी से मंदिर मिलते ही नहीं है वहाँ। रास्ता पूरा हाइट है। अच्छा अच्छा, पूरा खराब इंडिया से। हम्म, तो आज के जमाने में इंडिया से कोई गया ना। हाँ जी, मानूंगा साइकिल से गया। बिल्कुल बिल्कुल, हिम्मत चाहिए बाबा। ये तो बहुत रास्ता खराब है, रास्ता खराब है, ये तो है। ठीक है बाबा, चलो, ओम नमः शिवाय। तो खाना हमारा हो गया है, और यार बहुत थके हुए हैं। अभी फिर खाने के बाद मेरा मन कर गया दूध पीने का, तो अभी दूध पीऊँगा भाई, और फिर सोने की तैयारी। सुबह जल्दी उठना है, फिर आगे निकलना है। तो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सपोर्ट मी, थैंक यू सो मच, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।